हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडियंट क्लासेस। आज बच्चों हम क्लास इलेवेंथ के लिए हॉर्नबिल क्लास इलेवेंथ द लैंडस्केप ऑफ द सोल नाम का जो लेसन है, इससे हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने आपको बच्चों नेकचंद वाला क्वेश्चन कराया था, और आज हम आपको बच्चों कंसेप्ट ऑफ सेंसरी क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक नेकचंद वाला भी अनट्यूटर्ड जीनियस जो था वो, और एक ये, इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इस लेसन में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सभी बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, हमारा जो फैमिली है वो ग्रोथ होती है और हमको मोटिवेट होते हैं हम कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट अच्छा देने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ सेंसरी। आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखें सभी बच्चे, सेंसरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो ये पता हो कि ये सेंसरी जो है बच्चों ये चाइनीज वर्ड है। तो यहाँ लिख देंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे बच्चों, सेंसरी शेंसुई इज ए चाइनीज वर्ड। ये बात आप जैसे लिखें वैसे ही लिख दीजिए, चाइनीज वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, विच मीन्स क्या होता है बच्चों, यांग यिन। क्या है चैप्टर में, यांग यिन, इसका अर्थ है यांग यिन अर्थात माउंटेन वाटर। यांग यिन अर्थात इसको हम ये बोल सकते हैं बच्चों माउंटेन वाटर, यांग यिन। अब देखिए बच्चों ये माउंटेन वाटर, अब इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है यांग क्या है, माउंटेन है, यिन क्या है, वाटर है। तो यहां लिख दें इसको, हियर यांग इज माउंटेन एंड यिन इज वाटर। यहां पर सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें, यांग जो है वो पर्वत है और यिन जो है जो पानी है, जल है, यिन इज वाटर। When both words, जब ये दोनों ही शब्द क्या किए जाते हैं, साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, आर यूज टुगेदर। जब इन दोनों शब्दों को क्या है साथ साथ में प्रयोग करते हैं बच्चों, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ए लैंडस्केप। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक लैंडस्केप रिप्रेजेंट करता है, प्राकृतिक दृश्यावली इसका मतलब है। और यांग इज एक्टिव, अब इसके में यांग के बारे में बता दीजिए, पर्वत की क्या क्वालिटी है इसमें, यांग इज एक्टिव भी है ये, और मैस्कुलिन है बच्चों, ये क्या है, मैस्कुलिन नर रूप है, इस चैप्टर में मैस्कुलिन है, स्टेबल है, ये स्थिर होता है, स्टेबल है, और वार्म है, वार्म एंड क्या है, एंड ड्राई इन द सन, एंड ड्राई इन द सन सूर्य में सूखा हुआ है। वाइल जबकि, अब यिन की बात करें तो यिन क्या है, यिन इज यिन कौन, यिन समझने से यिन है वाटर, वाटर क्या है, ये फेमिनाइन है, नारी रूप है, यिन इज फेमिनाइन, ये इसका फेमिनाइन जेंडर है, और हॉरिजॉन्टल है, पानी धरातल पर क्या होता है, बहता है हॉरिजॉन्टल वे में, फ्लूड है, FLUID फ्लूड, मॉइस्ट एंड कूल, मॉइस्ट भी है एंड कूल और ठंडा भी है। तो अब इसकी ये बच्चों हम हिंदी भी बता देते हैं आपको, इस चैप्टर के अनुसार आपका ये सब यहां पर दे रखा है बच्चों कि
इसकी हिंदी बताते हैं, सेंसुई एक चाइनीज वर्ड है बच्चों, इसका मतलब है यांग इन चाइनीज भाषा में है, और माउंटेन वाटर इसका अर्थ है, यांग का अर्थ है यहाँ पर्वत और यिन का मतलब है जल। जब दोनों शब्दों को साथ साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, एक लैंडस्केप बनता है। यांग एक्टिव है, सक्रिय रहता है, मैस्कुलिन है, नर रूप है और स्टेबल है, स्थिर भी है, वार्म गर्म है और सूर्य में सूखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ पर्वत के बाद जल जो है वो नारी रूप है और हॉरिजॉन्टल है, धरातल पर हॉरिजॉन्टल वे में बहता है, फ्लूड है, मॉइस्ट है, नम है और कूल है और ठंडा रहता है। तो ये सब आपके लिए मैंने, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप नेकचंद वाले क्वेश्चन की तरह इस चैप्टर से अच्छे से तैयार करें। मैं समझ रहा हूँ बच्चों को हिंदी के साथ जब मैं समझा रहा हूँ तो सभी को समझ में आ रहा होगा। आप बार बार लिख करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा सब कुछ। आप चैप्टर को और अच्छे पढ़ें, इसको ढंग से प्रिपेयर करें, बार बार लिख करके देखें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इट इज़ करेक्टली सेड। आप सभी से उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छे बेटर मार्क्स के साथ पास होंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, आप भी हेल्प करें अपनी। और ये इंग्लिश में भी कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से वेल प्रिपरेशन करें और परीक्षा की तैयारी करें। आज का मेरा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, माय लेक्चर इज ओवर, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर एवरीवन एंड गुड बाय।